500 करोड़ की, उसका प्लान बताओ कैसे होगा। जी सर। बेटा एक प्लान बताओ 500 करोड़ का, वोडाफोन से बोल रहे हो ना? जी जी। हाँ तो करवाओ बेटा एक प्लान, लोन कराओ हमारा। देगा कि चंडीगढ़ दिल्ली का सबसे बड़ा सैलून खुल रहा है या नहीं? पॉइंट खुल नहीं भाई, बिल्कुल खुल रहा है। अभी अभी जितना डिस्टेंस मैं देख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ना ऐसे इनको लगाया कि हमें बता एक और बटन आने वाला है। तो भाई अभी बारी है होम टूर की, तो मैंने सोचा था कि हम दो वीडियोस करेंगे, एक करेंगे स्पेशली भाई के जो प्यारे प्यारे डॉग्स हैं उनके साथ, और दूसरा करेंगे होम टूर। तो यार चीकू होम टूर देगा मैं चीकू आज। तो भैया नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, और आप चैनल पे हैं नए तो भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हमारा ही चैनल है, हमारे छोटे भाई का चैनल है। तो पुलकित भाई आज हमारे घर आए, तो उन्होंने बोला कि हमारी ऑडियंस को आपका एक होम टूर दे दो। बिल्कुल। तो भैया ये एक जबरदस्त सा हमारा प्यारा सा सपनों का महल है, यहाँ पे हमारी किचन है, आप देख सकते हो। इसमें शांति है, शांति को कौन नहीं जानता, ही शांति कौन नहीं जानता, सारे जानते हैं, सारे जानते हैं। तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा है नालायक, चीको हेलो कर दो। हेलो नालायक हूँ मैं। चीकू चीकू है भाई, तो चीकू बहुत ही समझदार। अच्छा ये यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं हाथ रख देता हूँ। हाँ। बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं भाई, मतलब ना क्या क्रिएटर आदमी है भाई, मतलब क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं अभी तो आने वाले टाइम में जबरदस्त भाई हिला के रख दिया। तकरीबन हम यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ की वीडियोस। अच्छा सबसे मेन चीज, सॉरी भाई आपको काट रहा हूँ, बट सबसे मेन चीज जो मैं चाहता था अपने ऑडियंस को दिखाना वो ये है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ना ऐसे इनको लगाया कि हमें बता एक और बटन आने वाला है, वो यहाँ लगेगा पहले से प्री प्लानिंग, तो वो फिर सेम हो जाएगा सारा। बहुत ज़्यादा सही, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जो सबसे ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना कि यूट्यूब से बटन्स लेने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं बहुत जल्दी भाई वाले। ऐसा नहीं है, देखो लोगों का प्यार है, और 4-5 चैनल हैं, तो 4-5 चैनल के 8-10 बटन तो आएंगे यार। पॉइंट भाई, बिल्कुल पॉइंट है। वाह, यहाँ से हम पहुँचते हैं इस तरह, और यहाँ पे एक जबरदस्त रूम है हमारा, जिसमें हमारे कालू भाई लेटे हुए हैं अभी, और नितिन भाई का स्पेशल रूम है ये। भाई का भी चैनल है यार, भाई का चैनल देखता रहता हूँ मैं। हाँ, भाई देखो क्रिएटर आदमी हर टाइम अपना यूट्यूब स्टूडियो देखता रहेगा। हाँ, फोन पे बैठ के क्या व्यू चल रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ से फिर हम आ जाते हैं जबरदस्त गैलरी की तरफ, और यहाँ से हमारा बाहर का व्यू देखता है कि कौन बोर्ड पे घूम रहा है, कौन नहीं घूम रहा है, उनको हम देखते हैं। यहाँ से भाई पूरा स्नाइपिंग करते हैं इधर से, ड्रोन भी उड़ा देते हैं यहाँ से। अभी वो लेटेस्ट रील में देखा था मैंने यार। तो इसी के साथ हम जाते हैं दूसरे रूम की तरफ, तो यहाँ से गाड़ी को घुमाते हैं हम इधर, और ये जो हमारा रूम है सभी ने देखा होगा, तो बहुत ही भाभी का मतलब रूम लग रहा है, अलग से मतलब लग रहा है यहाँ पे। ये हमारे गिफ्ट दिया था किसी ने, और चिपकन का ये रूम है, और चिपकन क्या करता है ना, ये चिपकन का रूम है, और चिपकन यहाँ से देखो यहाँ बैठा है, ये बैठा है, इसको धूप बहुत पसंद है, और इसके लिए हमने एक ज़बरदस्त चीज़ भी रखी हुई है देखो, तो इसको हम ऐसे बात भी देते रहते हैं, इसको अच्छा लगता है। एक्चुअली भाई सीन क्या था, इग्वाना होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो उनको गर्मी पसंद है। ओके। इसीलिए वो बार बार धूप के अंदर आता है ताकि उसका शरीर गर्म रहे। ठीक है। सर्दियों में इग्वाना को मेंटेन करना बहुत टफ टास्क हो जाता है, तो उनके लिए लाइट्स, यूवी लाइट्स सब लगाना पड़ता है। तो सब कुछ है, और आज हमारे भाई ने मज़ेदार से गिफ्ट दिए हैं, तो इधर चलते हैं, हम बच्चे हैं हमारे रूम इधर, तो ये रूम हमारा ये है, बच्चा गैंग। हाँ बच्चा गैंग हमारी यहाँ बैठी हुई है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो चीकू? चीकू तो भाई चीकू भैया 10-15 पैकेट खा जाता है, कितने पैकेट खाते हो? 10-15। यहाँ से एक बड़ा जबरदस्त व्यू है हमारा जो आप सुबह सुबह, और ये नीचे उधर देखो भाई, हाँ वो देखो वहाँ पे जिमी 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 आजा, बच्चों के रूम में असलियत में बच्चे भी बैठे हैं। तो यहाँ से जबरदस्त आपको व्यू दिखाई दे रहा होगा, और बहुत ही जबरदस्त व्यू है, मजा आ जाता है यहाँ पे जब हम शाम को खड़े होते हैं। तो बाकी भाई बताएंगे। भाई क्या बात, कहाँ रह रहे हो, बढ़िया, क्या बात है यार। सो गाइस अभी हम आए हैं भाई के दूसरे फ्लैट में, जो कि है स्पेशल राजा रानी के लिए। राजा रानी हाजिर हो। सारे बच्चे हमारे अंदर हैं, कुछ हमारे ये हमारे एडिटर हैं। हेलो भाई कैसे हैं आप? कलाकार हैं ये, और यहाँ से हम पहुँचेंगे
ये मेरे मैनेजर हैं। कैसे हो भाई? धीरज गुप्ता और राजा रानी का राजा रानी है। तो ये राजा रानी का रूम है, बहुत ही जबरदस्त वाला, मतलब इनके लिए पूरी जगह है और इनको नीचे भी, मतलब सोसाइटी बहुत बड़ी है भाई की ना, ग्राउंड वाउंड भी बहुत प्रॉपर है। हेलो बेबीज का पूरा ध्यान रखा जाता है इनका। अच्छा अच्छा, बस 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 बस, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नो 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 सिट। तो पहले ऐसे डॉग हैं जो डेलीज वीडियोस में दिखते हैं राजा रानी, तो आज इनकी वैक्सीनेशन होनी है। हमारे डॉक्टर साहब आएंगे आज, तो बस आज की वैक्सीनेशन करा देते हैं। बिल्कुल भाई। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको नीचे, रेंगलर में घुमाने वाला हूँ, उसके बाद जाएंगे सैलून। सैलून का काम भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, तो बाकी भाई बताएं। हाँ, मैंने कहा यार भाई प्लीज़ सैलून का भी काम ज़रूर दिखाएं, और मैं चाहूँगा कि देखें कि कैसा ट्राई सिटी का सबसे बड़ा सैलून होने वाला है। बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड इसके लिए। हेलो जी गाइस, तो भाई लेकर आए हैं हमें उनकी गाड़ी के पास। ये गाड़ी तो नहीं है, मतलब ये कुछ और ही है भाई, इसको मतलब क्या कहे यार, ये मेरी फेवरेट है ब्रो। क्या बोलो भाई, इसको सपना कह सकते हैं, ड्रीम कह सकते हैं यार तुम्हारी यही है भाई। भगवान करे जल्दी अब मैं भी फिर एक ऐसी सेम निकलवा के खड़ी करूँ। तो गाइस अभी जा रहे हैं पुलकित भाई को अपने सैलून में लेके। अपना क्या है, इनका है, आपका है, सबका है। और हमारे साथ है तेजा। तेजा इनको हमने नाम दिया है, बढ़िया सा तेजा। कैसा नाम है भाई? बढ़िया जी बढ़िया है। 500 करोड़ की उसका प्लान बताओ कैसे होगा। जी सर। बेटा एक प्लान बताओ 500 करोड़ का, वोडाफोन से बोल रहे हो ना? जी जी। हाँ तो करवाओ बेटा एक प्लान, लोन कराओ हमारा। एक मिनट कहाँ जा रहे हो बच्चे, बैलेंस खत्म हो जाएगा यहाँ तो हमारा। तो गाइस फाइनली सैलून पे पहुँच गए, और ये सामने वाला फ्रंट है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये सारा अपना ही है, यानी कि पुल कितना है। तो ऊपर लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। ओके गाइस, तो पीछे आप देख सकते हो पहुंच गए हैं हम सैलून में। सैलून में तो भैया हम पुलकित भाई को आगे रखेंगे, और पुलकित भाई को बोलेंगे आप अंदर जाइए, और अंदर जाके थोड़ा सा आंखें बंद करके जाओ यहाँ से, और फिर बताओ कि क्या बन रहा है। पुलकित भाई क्या बन रहा है, आप बना रहे हो ये है? क्या करना, क्या चाहते हो? मजा आएगा यहाँ पे, मजा आएगा। जिस हिसाब से इंटीरियर मैंने देखा है ना, उस हिसाब से मैं यही दिखा करूंगा। मैं क्या, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ के सिंगर और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आया करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इंटीरियर आप तैयार करा रहे हो वो नहीं है ब्रो। एक्चुअली गाइस मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, मतलब हमें क्या, आप भी बताना कमेंट करके। इसको जब रेडी होगा ना, पुलकित खुद बता देगा कि चंडीगढ़ दिल्ली का सबसे बड़ा सैलून खुल रहा है या नहीं। पॉइंट खुल, नहीं भाई बिल्कुल खुल रहा है। अभी अभी जितना डिस्टेंस मैं देख सकता हूँ, मतलब इतने में एक जिम खुलती है, बड़ी बड़ी जिम है ये, मतलब बड़ी जिम के अंदर सैलून खोल रहे हैं एक तरीके से। मैं दिखा देता हूँ, ये जहाँ तक नजर आ रही है ना आपकी, वहाँ तक देख रहे हो, आपको कैमरा भी छोटा पड़ रहा है, और ऊपर देख रहे हो ऊपर का एसी वेसी सब हो गया है, सेटिंग हो चुकी है। ये मुझे लग रहा है भाई एक महीने के अंदर आप तैयार करके इसको करने वाले हो, ओपनिंग है ना। मजेदार यार, क्या बात है। और भैया मतलब तो अरमान भाई ये प्रॉपर यूनिसेक्स सैलून रहेगा राइट? ये यूनिसेक्स रहेगा, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होने वाले, स्किन लेना देना, मतलब कि ना मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे आए ना, कंफर्टेबल, मज़ेदार तरीके से साफ सुथरा काम होने वाला, बहुत जबरदस्त सारा ट्रीटमेंट उनको एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही जगह मिलेगा। और उससे फिर क्या होगा ना, हम भी उनसे मिल पाएंगे, हमें भी मौका मिलेगा उनसे मिलने का। बिल्कुल यार ये तो बात है, तो हम नहीं मिल पाते तो तकरीबन हम यहाँ मिला। भाई सैलून का नेम रिवील कर दिया? रिवील बिल्कुल। तो हमारा जो सैलून है उसका नाम रखा हमने हेयर गार्डन। अच्छा तो भी वो इंटीरियर वैसा है। ओके, फ्रेंचाइजी आने वाली है हेयर गार्डन की। हेयर गार्डन का मतलब होता है गार्डन, गार्डन अभी बनेगा यहाँ पे, जो ट्रांसफॉर्म होने वाला है ना इस ब्लॉग के बाद, जब खुलेगा तब एक ब्लॉग बनाएंगे यहाँ का, बिल्कुल, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो भाई यहाँ काम कर रहे हैं, इनके लिए प्रॉपर कूलर वूलर भी है, सही है यार। और सबसे मेन बात ये कि ये जीटी रोड के पास है, ताकि अगर कोई कहीं अम्बाला से या कोई भी स्टेशन से आना चाहता है वो सीधा यहाँ आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये ऊंचा सेक्शन हो गया यहाँ का, फ्रंट रोड है हॉलीडेज के सामने वाला। यहाँ से मतलब दिक्कत नहीं है पार्किंग की, गाड़ियों की बसूड़ी नहीं है कुछ भी, चाहे 2000 गाड़ियाँ। चंडीगढ़ के अंदर भी नहीं जाना, सबसे बड़ी बात है कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल,
तो भाई वो जो अभी दिखाया है वो भी अभी 50% है बिल्कुल। और यहाँ पे हम रखेंगे वेटिंग एरिया, क्लब वगैरह सब कुछ। वारे बाप रे बाप, ये जो बीच में मिरर है उसका डिजाइन भी मैं रिवील करता हूँ हम लोगों को। अरे भाई इस व्लॉग में बहुत सारी चीजें रिवील कर रहे हैं आज भाई। तो ये लकड़ी का काम हो रहा हमारा, ये बीच के शीशे। वाओ, ये शीशे शायद ही किसी ने करवाए होंगे और ये बहुत ही जबरदस्त है। एक बहुत लग्जरी एक्सपीरियंस होने वाला है, मतलब एक ऑडियंस के अंदर। फोटो दिखाई देता हूँ। क्या बात है यार। अच्छा ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे अभी अंदर फ्रेम है, मिरर लगेंगे। ये क्या होगा ना, इसके अंदर मिरर लगेगा और दोनों तरफ चेयर होंगी। मैं आपको थोड़ा सा मज़ेदार दिखाई देता हूँ, आप अपने कैमरे में भैया दिखा दो इस तरह से। वाओ, तो ये बीच में आपको शीशा मिलेगा, इस साइड लड़का लड़की कोई भी बैठ सकता है दोनों तरफ। हाँ, एक, बात एक है, बीच में लगा कि उधर भी चेयर इधर भी चेयर और इधर सारा क्लब। हाँ भाई, तो श्योर अश्योर आप सैलून ही खोल रहे हो? आर यू श्योर? मतलब फील आने वाला मजेदार, आप लोगों से लग्जरी एक एक्सपीरियंस होने वाला है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। पॉइंट सबसे मेन बात ये है, ऑडियंस से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ना कई बार ज्यादा ना हम अपने घर होते हैं, किस हालात में होते हैं, हम नहीं मिल पाते लोगों से, तो यहाँ पर एक प्रॉपर टाइमिंग होगा, एक माहौल होगा यहाँ का जो बहुत पॉजिटिव होगा, जब लोगों से मिलना भी होगा और इतनी अच्छी वाइब होगी, लोकेशन मजा आने वाला, मजा आ जाएगा भाई। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए। मैं तो वैसे वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगा नॉनवेज, बट हम मैकडी जा सकते हैं। तो ये भाई का यार ये बहुत सही छतरी बनाई है, क्या हाल है भाई? मास्क बेच रहे हो, देख रहे हो गाइस मास्क क्या क्या खतरनाक तरीके से मास्क बेच रहे हैं। यहीं पर होते हो तुम? तो गाइस ये जरकपुर वाली रोड है, अगर आप कभी आ रहे हो और आपके मास्क नहीं है तो ये भाई यहाँ पर आपको मिलेगा, इससे आप मास्क ले सकते हो। कितने रुपये का एक मास्क है? 10 रुपये का। तो गाइस हमने आज खाए हैं वेज, क्योंकि पुलकित भाई खाते हैं वेज, तो हमने भी खाया है वेज। थैंक यू भाई, हम हैं इनके बड़े भाई तो इसलिए हमने निपटा दिया है सारा चिकन एकदम, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगे एंड थैंक यू सो मच अरमान भाई, आपने अपना टाइम दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर। मज़ा आ गया, मज़ा मतलब कि हमारी खुशकिस्मती है हमारे भाई हमारे घर। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच भाई, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मज़ेदार वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय।